हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राशि की रसोई में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं टमाटर की नमकीन चटनी, जिसे आप पूरी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने 5 टमाटरों को मिक्सी में डाल के पीस लिया है, और ये एक प्याज बारीक कटा हुआ, कड़ी पत्ता, मिर्ची, अदरक, लहसुन जिसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। अब एक पैन में हम लोग तेल डालेंगे। यहाँ मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, चटनी वगैरह तो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। इसमें मैंने ये पंचफोरन डाल दिया है, जिसमें जीरा, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी और सरसों दाना होता है। और फिर कढ़ी पत्ता ऐड कर दिया, और यहाँ मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची को भी ऐड कर दिया। इसे हम लोग थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं बारीक काट के, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। देखिए प्याज हल्का सा भून गया है, तब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, यहाँ 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और चटनी का कलर बहुत अच्छा है, इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। अगर आप तीखा और पसंद करते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम लोग 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे, या जब तक ये ड्राई ना हो जाए, एकदम सारा इसका पानी सूख ना जाए। नहीं, कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे पकाएंगे। देखिए एकदम ड्राई हो गया है। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच टमाटो केचप, जो खट्टा मीठे टमाटर की चटनी का टेस्ट होता है ना, वही टमाटो केचप ऐड करने से आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी चीनी डालेंगे, 1/4 टीस्पून से भी कम, और 1 चम्मच व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे। इससे टमाटर की चटनी में एकदम टैंगी सा फ्लेवर आ जाता है, और ये आप 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगा। विनेगर ऐड करते हैं, गैस ऑफ कर दें, हमें विनेगर को पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये चटनी बनके रेडी हो गई है, और ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है। इसे आप किसी भी पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।